Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to Spirited Saturday. हमारी सैटरडे वाली सीरीज जिसमें हम विस्की रम के अलावा जो दूसरी स्पिरिट्स होती है उन पर फोकस करते हैं और आज के हमारे स्पिरिटेड सैटरडे के वीडियो में हैं हमारे पास इम्पोर्टेड मैजिक मोमेंट्स यानी कि ग्रे गूस वॉडका। अभी तक हम कई ब्रांड्स के रिव्यूज कर चुके हैं, कई ब्रांड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एंड मोस्ट ऑफ दीज ब्रांड्स दे हैव अ वेरी रिच बैक स्टोरी। ज़्यादातर ये स्टोरीज शुरू होती हैं कि एक या दो लोग मिलकर जो बहुत पैशनेट है कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो शुरुआत करते हैं और उसके बाद जब एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसका नाम क्या डालना चाहिए, उसे कैसे बेचना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, इसके बारे में सोचा जाता है। और अगर प्रोडक्ट जब अच्छा होता है क्योंकि इतनी मेहनत झोंकी है उसके अंदर तो अपने आप उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है। बट वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके बारे जो प्रोडक्ट बाद में आते हैं बट उनका नाम, उनकी ब्रांडिंग, उनकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, बॉटल कैसी होनी चाहिए, कैसे उसे मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती है लेकिन वॉडका जो है वो बाद में आती है। और यही स्टोरी है हमारी आज की ग्रे गूस वॉडका की। ग्रे गूस वॉडका फ्रॉम फ्रांस काफ़ी पॉपुलर वॉडका है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर एंड सबसे लग्जरी प्रीमियम वॉडकास की देन आई एम श्योर ग्रे गूस का नाम डेफिनेटली टॉप 3 तक में ज़रूर आएगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर वॉडका, हाई क्लास वॉडका आप कह सकते हैं इसको। बट इस फ्रेंच वॉडका की जो शुरुआत है वो एक्चुअली में फ्रांस में नहीं हुई थी, ये हुई थी USA में। सिडनी फ्रैंक, इनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, अ जीनियस माइंड जिनका जो मार्केटिंग ब्रेन था वो बहुत अमेजिंग था। ही वॉज वेरी मच केपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट कि मार्केट में कहाँ पर गैप है और किस प्रोडक्ट का स्कोप है। मैंने आप लोगों को बताया था इनके बारे में येगर माइस्टर वाले वीडियो में डिटेल में। सो ऑफकोर्स येगर माइस्टर को आइडेंटिफाई करना, उसका जो स्कोप है उसे आइडेंटिफाई करना वॉज अ बिग अचीवमेंट। बट उसके अलावा एक और जो अचीवमेंट थी उनकी वो थी ग्रे गूस वॉडका को लॉन्च करना। उन्होंने जाना कि देर इज़ अ गैप इन द मार्केट, बहुत सारी वॉडकास अवेलेबल है बट वॉडकास जो है वो चीप या मीडियम रेंज में आती हैं बट देर आर रियली नो लग्जरी वॉडकास अवेलेबल इन द मार्केट। और वहीं से कंसेप्ट बना ग्रे गूस वॉडका का। बुआ उन वरे द फ्रतनीति, लगा ना कुछ बहुत ही अमेजिंग सी लैंग्वेज बोली है मैंने, कुछ पॉश सी लैंग्वेज बोली है। भाई मैंने इसे फ्रेंच में बोला है पियो पैचो पियो, लेकिन जब भी आप कोई चीज़ फ्रेंच बना देते हैं ना तो वो सुनने में काफ़ी मीठी लगती है, काफ़ी लग्जरी लगती है। और वही सोचा सिडनी फ्रैंक ने कि भाई अगर हम अमेरिकन वॉडका बनाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, उनको लगेगा ये तो नॉर्मल सी वॉडका होगी, लेकिन अगर वो अपनी वॉडका को फ्रांस में बनाते हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये वॉडका इसमें कुछ दम है। तो इसीलिए वो अपनी वॉडका की जो बनाने की स्ट्रैटेजी है उन्होंने वो लेकर गए फ्रांस में। ही असेंबल्ड अ स्मॉल टीम, एक्सपर्ट्स जो हैं फ्रांस के जो कोनियाक्स बनाते हैं, शैम्पेन बनाते हैं, उन सबसे मिले एंड दे डिसाइडेड टू कम अप विद ग्रे गूस वॉडका जो कि बनती है फ्रेंच वीट से। 1997 में लॉन्च हुई ग्रे गूस वॉडका एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, लोग पागल हो गए इस वॉडका के लिए। 98 में ही उस वॉडका ने कई अवार्ड जीत लिए एंड इट्स बीन 24 इयर्स और आज की डेट में भी दिस वॉडका इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। टिल डेट ग्रे गूस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वॉडकास और आज भी फ्रांस में बनती है। बट एक मज़े की बात यह है कि जितनी भी ग्रे गूस वॉडका की बॉटल्स हैं जो आप देखेंगे किसी बार में, किसी वाइन शॉप में या अपने घर में, ऑल दीज बॉटल्स आर मेड बाय ओनली 17 पीपल। यस, ओनली 17 पीपल जो डिस्टिलरी में काम करते हैं और जितनी भी वॉडका ग्रे गूस वॉडका बनती है दुनिया भर की वो सिर्फ 17 लोग ही मिलकर बनाते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि कोई ऐसी वॉडका नहीं है जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी रिच बैक स्टोरी हो, जस्ट प्लेइंग द राइट ट्रिक्स द राइट स्टेप्स एट द राइट टाइम और उसकी वजह से आज ये वॉडका दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड्स में से एक है। इसलिए मैं सिडनी फ्रैंक को अपना खुद का एक गुरु की तरह मानता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम मार्केटिंग एंड आई थिंक सही मौके पर सही चौका मारना यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ शिवराज मात्रे जी को। शिवराज मात्रे जी
एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एक राइटर भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डीप नॉलेज के, क्योंकि ज़्यादातर लोग घबराते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी बड़ा रिस्क है। बट इस बुक के थ्रू जो कंसेप्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो आप समझ सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। एक ई बुक है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, सो यू कैन डाउनलोड द बुक ऑन योर मोबाइल फोन एंड यू कैन रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस। सो चेक आउट द बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है इस वर्ड का में जो हम कह सकें कि बहुत यूनिक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट वर्ड का जो फ्रांस से आती है, दिस इज नॉट द फर्स्ट वर्ड का जो वीट से बनती है, इनफैक्ट एब्सोल्यूट वोडका इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वीट। बट चलिए वी विल फाइंड आउट कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस वोडका को इतना स्पेशल बनाती है, इतना एक्सपेंसिव बनाती है। आई हैव नो डाउट कि एक अच्छी वोडका होगी, देर इज नो डाउट, बट इज इट रियली वर्थ द 3440 rupees? जी हाँ, 3440 rupees प्राइस है इसका फॉर दिस बॉटल। और एल्कोहल परसेंटेज कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, दिस इज ओनली 40% alcohol. So is it really worth the money? या फिर ये वोडका की रामपुर निकलेगी? Let's find out. And one more thing which I would like to point out, कि वोडका की जब आप nosing करते हैं, taste करते हैं, you're not looking for a lot of flavors because vodka in the end is a neutral alcohol. आपकी वोडका जितनी tasteless होगी, जितनी flavorless होगी, जितनी odorless होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. So वोडका should be very smooth. ऑफ कोर्स, एंड उसमें ज़्यादा कोई ऑफ फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वोडका में। दूसरा फैक्टर, वोडका को जब आप टेस्ट करते हैं देन जो बॉटल है उसकी थोड़े टाइम के लिए उसे फ्रीज इन रख दीजिए ताकि वोडका के अंदर एक जो टेस्ट एक टेक्सचर डेवलप हो जाता है। इस बॉटल को मैंने काफ़ी देर तक फ्रीजर में रखा हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, और उसकी वजह से जो वोडका है देखने में थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, एंड जब हम टेस्ट करेंगे इसे नीट तो एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा माउथ में। Alright, let's do some nosing first. I can definitely feel slightly off flavors. जो alcohol का burn होता है वो definitely मुझे आ रहा है, but ऐसा नहीं कि वो expected है because it is in the end 40% alcohol, 40% neutral alcohol. But ऐसा नहीं है कि मेरे नाक के बाल जला दे. Alright, let's get to the tasting. It's quite smooth, honestly. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरी वोडका है कहीं से भी। I personally feel कि एक वोडका, there is definitely a difference between cheap vodka and slightly expensive vodka. जैसे अगर मैं compare करूँ Smirnoff versus Absolute, I think मैंने comparison किया हुआ एक वीडियो में, there is definitely a big difference. But अगर मैं वहीं comparison करूँ शायद Grey Goose या Absolute का, तो जो difference है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, and I'm being quite honest with you guys. With that said, I think कई लोगों को पसंद है vodka on the rocks पीना, and if you do like that, then I feel that this is probably one of those vodkas जो definitely आपको पसंद आएगी. It's very very smooth, it has a nice texture, ज़्यादा कोई off flavor कुछ नहीं आ रहा है मुझे taste में. It feels very smooth, very very light. And जब आप किसी अच्छी vodka की cocktail बनाते हैं तो उस cocktail का taste भी अच्छा आता है. But I personally feel that there is no need to spend 3000 rupees on a bottle of vodka. क्योंकि आपको 1500 से 2000 के बीच में बहुत सारी वोडकाज मिल जाएंगी, अच्छी वोडका जिनका टेस्ट शायद इतना अच्छा ना हो Grey Goose के जैसा, बट आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको और 2500 पे खर्च करने की ज़रूरत है. अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो एब्सोल्यूट की बॉटल डेली में अराउंड 1300 to 1400 की आती है, वहीं 3400 की, सो यू स्पेंडिंग मोर देन डबल to get this bottle and you're not getting double the taste or even 20% better taste. But again, there are some brands जिनका taste से लेना देना कम होता है और brand से show off से लेना देना ज़्यादा होता है, and I probably feel that this is one of those brands. अगर हम मैंने कुछ time पहले video बनाया था most overhyped whiskey के ऊपर, अगर हम बात करें overall brands most overhyped, then I'm pretty sure कि Grey Goose भी डेफिनेटली
उस लिस्ट में जरूर आएगी। सो आई विल नॉट गिव इट एनी स्कोरिंग, बट आई डू फील कि एक ओवर प्राइस्ड है। अगर आप ये खरीदने जा रहे हैं देन प्रॉब्ली कंसिडर गोइंग फॉर अ डिफरेंट वोडका, एब्सोल्यूट, स्वेट का, या इवन स्मोक वोडका जो इंडियन वोडका है, दैट्स ऑल्सो प्रीटी गुड। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है ग्रे गूस वोडका के बारे में, मुझे बताइए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।